अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत में अक्सर लोग अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। सोशल मीडिया की वजह से कैसे मुस्लिम नौजवान जेलों में कसीर तादाद में पहुंच रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट। पिछले कुछ अरसे से बेलगाम में भी आपने देखा होगा कि नौजवानों ने सोशल मीडिया पर स्टेटस, फेसबुक पोस्ट और कमेंट्स को लेकर माहौल में तनाजा खड़ा करने की कोशिश की थी, लिहाजा इसे लेकर हाथापाई और फिर मुकदमे भी दर्ज हुए। हुबली में इसी सोशल मीडिया के मद्देनजर 150 के करीब मुसलमानों को UAPA के तहत हिरासत में लिया गया था और तकरीबन 2 साल तक जेल में रखा गया। आखिर यह सोशल मीडिया का जाल इतना खतरनाक कैसे है और इसे कैसे एक साजिश के तहत मुस्लिम नौजवानों को इसमें फंसाया जा रहा है, कुछ वारदातों का जिक्र करते हैं और आज इस रिपोर्ट के जरिए मुस्लिम नौजवानों को आगाह करना चाहते हैं कि अपनी बेवकूफी की वजह से सैकड़ों की तादाद में जेलों में बंद होकर अपना मुस्तकबिल आखिर बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए। लिहाजा इससे बचा जाए, क्योंकि आपको एक साजिश के तहत उकसाया जा रहा है। कुछ नौजवान बेवकूफी और हिमाकत की वजह से जेल में जाते हैं, उन्हें उस वक्त वो काम सही लगता है लेकिन वो एक हिमाकत होती है जिसकी कोई जरूरत नहीं रहती। खैर, इसी तरह की एक वारदात उत्तराखंड में हाल ही में पेश आई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बस खाई में गिर गई जिसमें 36 मुसाफिर जान बहक हुए। एक नौजवान ने सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीर डालकर हैप्पी दिवाली लिखा, जिसके बाद पोस्ट अपलोड करने वाले उस अमीर को हिरासत में लिया गया और अब उसके मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यकीनन वो अमीर है, इसलिए उसके मकान पर बुलडोजर चलाना भी जरूरी हो जाता है। खैर, 2020 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतने पर मुस्लिम नौजवानों ने ताली बजाई, इसलिए UP के कई शहरों में मुस्लिम नौजवानों पर मुकदमे दायर किए, जिसमें खासकर बदायूं, आगरा, सीतापुर, बरेली इस तरह 25 के करीब नौजवानों पर मुकदमे दायर किए गए और उन्हें जेल भी भेज दिया गया। आपको ये भी बताता चलूंगा, मुकदमे उस क्रिकेट खेलने वालों पर भी दायर करना चाहिए जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के गले मिलते हैं, और क्यों ना पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को ही हमेशा के लिए खत्म किया जाए। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ही तो जरिए से भारत में मुसलमानों को हिरासत किया जा सकता है। महंगाई, बेरोजगारी पर आप सवाल उठाओगे तो आपको पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपए किलो कैसे हैं वो आपको दिखाया जाएगा, और ये सुबह से शाम तक गोदी मीडिया में देखने को मिलता है। इसी तरह से ध्यान भटकाया जाता। खैर, सोशल मीडिया पर मुस्लिम नौजवान उल्टी सीधी पोस्ट डालकर बड़ा काम अंजाम देने की तरफ पेश आते, जबकि वो एक जाल में फंस चुके होते हैं। भारत में मुसलमानों की आबादी 30% से कुछ ज्यादा है, पर आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जेलों में मुसलमान 40% से ज्यादा है। खैर, चोरी, डकैती, फसादात, दहशतगर्दी के इल्जाम के साथ अब सबसे तेजी से जेलों में नौजवान सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करने से जा रहे हैं। अब तो योगी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर कोई भी तश्वीशनाक पोस्ट अपलोड करने वाले पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए, ऐसी बात की जाहिर है। ये बात मुसलमानों को ही कही गई, वरना तो दूसरों के भी घरों पर बुलडोजर चल जाते। खैर, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड में अब तक मुस्लिम नौजवानों पर सैकड़ों मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। आखिर इसका हल क्या है और मुसलमान इस जाल में क्यों फंसते जा रहे हैं? इसका सीधा जवाब यही है कि गुस्से में आकर, जज्बात में आकर या उनका जवाब देने के जज्बे से कुछ तो मैसेज कर देते हैं, जिसके बाद फिरका परस्त तंजीमें जो इसी काम के लिए बैठी होती हैं, एहतजाज या पुलिस पर दबाव डालकर गिरफ्तार करवाते हैं। भले आज के नौजवानों को इस बात का एहसास न हो, पर इसके आगे भी इसकी कीमत उनको और उनके साथ घर वालों को भी चुकानी पड़ती है। आप पर मुकदमे दायर करने के बाद आपकी फाइल पुलिस थाने में बन जाती है। आपको इलेक्शन, त्योहार, इजलासों के वक्त नोटिस देकर थाने बुलाया जाता है। राउडी शीट आगे जाकर बन जाती है। आपको कहीं नौकरी भी मिल जाती है तो पुलिस थाने से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो मिलने में काफी मुश्किलें आती है। अगर मुस्लिम हो तो और भी मुश्किलें हैं। इसी तरह से पासपोर्ट हासिल करते वक्त तकलीफ दी जाती है। सवाल ये उठता है कि आखिर किसी के उकसाने से क्यों कौम के नौजवान अपना मुस्तकबिल बर्बाद करने पर आमादा है? उल्टी सीधी पोस्ट या स्टेटस लगाकर खामखा उनके जाल में क्यों फंस जाते हो? उन्हें तो इंतजार रहता है कि आप उनके पोस्ट का जवाब दें। वो नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे, टीपू सुल्तान को भला बुरा कहेंगे, औरंगजेब आलमगीर पर भद्दे मजाक करेंगे, कुरान को कुछ भी कह सकते हैं, मस्जिद के सामने DJ लगाकर आपको वो गालियां भी दे सकते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे के नारे भी खुलेआम लगाए। उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उनके साथ पूरा सिस्टम है, सियासी लीडरान है, एक दबाव है। लिहाजा इनका जवाब आप सोशल मीडिया पर देने की बजाय पुलिस थाने जाकर उन पर FIR की कोशिश करें। कोई टीम बनाओ जो कानूनी लड़ाई लड़ सके। इस तरह के हरकतों से और जेलों को ही आबाद किया जा सकता है,
जिसकी कोशिश फिरका परस्त कर रहे हैं और उसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं। आपकी छोटी सी गलती की फिराक में वो बैठे रहते हैं। नफरत की वारदातें किस कदर बढ़ती जा रहे हैं आप देख रहे हैं, तस्वीर भी साफ हो रही है। आपकी छोटी सी गलती के लिए आपको हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन वो कुछ भी कर दे उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सियासी लीडर, सियासी ताकत, यहाँ तक इंतजामिया भी साथ में होगी। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत में फिर भी कई वाकये देखे जा रहे। मान लो अगर फिरका परस्त पार्टी आ जाती है तो उत्तर भारत में जो देखा जा रहा है वो यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। महज कुछ दिन पहले यूपी बिहार के नहस पर झूठी कहानियां बनाकर शाहपुर गार्डन के सामने भेलपुरी पानीपुरी की गाड़ियों को मुस्लिम है कहकर इन्हें धमकाया जा रहा था। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी आज भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। भले उसी हिरासत में की लिया गया फिर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन वो वीडियो क्यों डिलीट नहीं किया गया? अब भी तो देखा जा रहा है, अब तक क्यों हटाया नहीं गया? खैर, आप पर कार्रवाई होगी क्योंकि आप उर्दू नाम वाले हैं, लिहाजा अपने गुस्से को काबू में रखें और सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट का जवाब देने की कोशिश ना करें। हो सके तो साइबर क्राइम में जाकर फरियाद दर्ज करें। अगर आप गुस्से में जवाब देते हैं तो आप किसी जाल में फंस रहे हैं। यहाँ तक के इस मामले को ही वजह बनाकर फसाद भी बर्पा किया जा सकता है। मार भी तुम खाओ और मुकदमे भी तुम पर ही चलेंगे। लिहाजा एक ट्रैप है जिसमें फंसने से बचना आपकी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखें इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।